हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज मैं आपके लिए साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत या डी अमाशय। इसका सही आंसर होगा सी यकृत। यकृत जिसे इंग्लिश में हम लिवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर का टेम्परेचर है वो कहाँ नियंत्रित होता है हमारे शरीर में? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस या डी पिट यूटरी। तो इसका सही आंसर होगा सी हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन या डी काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा सी टाइलिन। ये जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ए एमिनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल या डी सुक्रोज। तो इसका सही आंसर होगा बी ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये जल में भी घुलनशील है तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज या डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा सी सुक्रोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। तो इसका सही आंसर होगा बी 120/80। ये एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली है, जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेक्वाइड। तो इसका सही आंसर है सी ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम या डी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है किसके कारण नियंत्रित रहती है? ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण या डी इंसुलिन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा डी इंसुलिन के कारण। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इंसुलिन एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जिनको छाया चाहिए होती है अपने जीवन के लिए। ए हेलियोफाइटस, बी थियोफाइटस, सी सियोकाइटस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सियोकाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ए एमिनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया या डी अमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा डी अमोनिया। अमोनिया मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन। इसकी दर को
पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी या डी तना। तो इसका सही आंसर होगा रंध्र। इसे अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन या वी डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ए उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, जो हार्मोन शब्द दिया गया है वो किसने दिया, ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टॉर्लिंग या डी ब्राउन पोर्टर। तो इसका सही आंसर होगा सी बेलिस एवं स्टॉर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ए लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी वॉन मॉल ने, सी पुरकिंजे ने या डी अरस्तु ने। तो इसका सही आंसर है ए लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, ए लेमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु या डी ट्रेविरेनस। तो इसका सही आंसर होगा सी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, ए थियोफ्रेस्टस, बी डार्विन, सी पुरकिंजे या डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा ए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ए कवक, बी सैवाल, सी विषाणु या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी सैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, ए पौधे के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से या डी वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर होगा सी झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जिसमें हम पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं, ए एगिस्ट्रोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ए पराकण, बी बीज, सी फल या डी पत्ती। तो इसका सही आंसर होगा बी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ए घासों का, बी फलों का, सी फसलों का या डी तेल बीजों का। तो इसका सही आंसर होगा ए घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा डी ए, क्योंकि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करें और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। थैंक यू।